जम्मू और कश्मीर से 44 आतंकवादियों को नैनी जेल किया गया शिफ्ट। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में जम्मू और कश्मीर के 44 आतंकवादियों को लेकर वायुसेना के स्पेशल जहाज शनिवार की दोपहर लगभग 4 बजे पहुंचा। कड़ी निगरानी में सभी को 7 प्रिजन वैन से नैनी जेल दाखिल किया गया। आतंकवादियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता भी था। इस दौरान जिले के सभी पुलिस अधिकारी और सभी थानों की पुलिस मौजूद थी। वहीं प्रयागराज जौनपुर एडीजी प्रेम प्रकाश नैनी जेल में पहुंचकर आतंकवादियों को वैन से उतरवा कर नैनी सेंट्रल जेल के अलग अलग बैरक में भेजा गया। प्रेम प्रकाश का कहना है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से इनको यहां भेजा गया है। जो 44 यहां पर रिटेन्यूज थे उनको लाया गया है स्पेशल फ्लाइट से लाकर, इनको पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उनके जवानों के द्वारा एस्कॉर्ट किया गया। साथ ही यहाँ पर प्रयागराज पुलिस के द्वारा यहाँ हमारी गाड़ियाँ भी लगी थी और उसके साथ में जो स्कॉट पार्टीज थी उनको लगाया गया, गस्टेड ऑफिसर्स को, जवानों को लगाया गया था। और यहाँ सीनियर सुप्रिंटेंडेंट जेल की उपस्थिति में इनको सबको अंदर करा दिया गया है और अभी फॉर्मेलिटी चल रही हैं। तो ये जेलों में ये सामान्य प्रक्रिया है कि एक जगह से कैदियों को दूसरी जगह भेजा जाता रहता है। सर, ये जम्मू से क्यों लाए गए, इनके पर क्या आरोप है? ये सभी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत ये सभी डिटेन किए हुए हैं और इनके ऊपर जो भी आरोप चल रहे हैं वो वहीं अदालतों में हैं, लेकिन यहाँ सुविधाजनक जगह पर इनको रखा जाता है जहाँ से पेशी के लिए इनको भेजा जाता रहता है। सर, इनके कोई आतंकी कनेक्शन भी होते हैं? नहीं, अभी इस तरह का कोई हिस्ट्री हमारे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन इनको केवल सामान्य सुरक्षा कारणों से यहाँ शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।